हेलो गाइस, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और खूब मजे में होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी रैपर यूनियन, बादशाह डिवाइन एंड करण ओजला, द ग्रेट इंडियन कपल शर्मा बचा हुआ कंटेंट। बचा हुआ कंटेंट वो देखेंगे जी। आज मतलब तीन लेजेंड इकट्ठे हैं। यस, बजाओ भी कुछ। Come on! चीखे किसकी निकल रही है? हैं? क्या हो गया? तेरा माइक ही बंद हो गया। ये जानबूझ के किया है इसने। तूने इसके चश्मे ले लिए ना इसलिए। You're fired. आखिर में कराया पीछे जा। हेलो हेलो, आ रहा अभी? अभी आया। Ready guys? Are you ready to bear me? देखो बादशाह पाजी बड़े पुराने मेरे दोस्त हैं। जब हमारा शो सिर्फ इंडियन टीवी पे आता था तब से हम जानते हैं। आज हमारा 192 कंट्रीज में आता है लेकिन मेरा भाई फिर भी मुझे नहीं भूला। ओह पाजी, मतलब हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, आपने हमें शो पे बुलाया। अरे पाजी बड़ी बात है, लव यू पाजी। आपके आने से माहौल बन गया यार। आप देखो जिन लोगों के घरों में गार्डन होता ना, उसको मेंटेन करने के लिए एक बंदा रखना पड़ता है। पाजी के आप स्टाइल देखो, आप दाढ़ी वाड़ी सब है ना। 500 गज की कोठी का जो गार्डन होता है ना, उसको मेंटेन करने का जितना खर्चा आता है ऑलमोस्ट आपका भी उतना ही आता है, मैंने देखा है। भाई बंदा रखा है आपने कोई ये सब करने के लिए? पाजी है मतलब। और ये आईब्रो में ये जो आपके तलवारें मारी किसी ने, ये आपको कौन आइडिया देता है कि ऐसे करो अच्छा लगेगा? पाजी इधर तो कट लग गया था एक बार। अच्छा। बचपन में फिर इधर स्टाइल के लिए बना लिया तो अच्छा। वाओ चंद भाजी, आपके बारे में सुना, आप पहले गाना लिखने का पैसे वैसे नहीं लेते थे? हाँ जी पाजी। अकल कब आई आपको? पाजी कोई देता ही नहीं था। अच्छा। अकल पाजी उससे 3-4 साल बाद ही है एक्चुअली, अगर सच बोलूं तो। पर जब किसी और के लिए लिखता था तो कोई मेरा तो नाम भी नहीं डालते थे। अच्छा। मेरे को तब पता चलता था जब गाना आ जाता था, मैं बोलता फिरता था कि हेलो मैंने लिखा है, मैंने लिखा। कोई मानता भी नहीं था। फिर उनको मैं दिखाता रहता था कि हेलो मेरा नाम देखो, मेरा नाम देखो। फिर मैंने कहा यार ये चंगा काम है, लाइक कोई जानता ही नहीं, फिर खुद ही करते हैं ना। बिल्कुल, क्रेडिट तो मिलना चाहिए। घर घर जाके आप कितने लोगों को बता सकते हैं मैंने लिखा, मैंने लिखा है ना। बहुत किया भाई। क्या बात है, बहुत सही है भाई। मतलब जितना मैं जानता हूँ, आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैंने करण के साथ काम किया और डिवाइन के साथ काम किया। और करण पाजी जो करण की ज़िंदगी रही है बहुत स्ट्रगल से भरी रही है। पेरेंट्स नहीं है, कनाडा गया यंग एज में और वहाँ पे अपनी लिए जगह बनाई। और पाजी गाने बेचता नहीं है क्योंकि इसके गाने खरीदने की ज़्यादा लोगों की औकात है नहीं। डिवाइन का अभी एक एल्बम आया स्ट्रीट ड्रीम्स, उससे पहले इन्होंने किया था मेरी गली में। और यहाँ इनकी म्यूजिक लेवल का नाम भी है गली गैंग रिकॉर्ड। भाई आप पता है इंडिया में हाईवे बड़े अच्छे बन गए हैं। गली के बाहर क्यों निकलते, गली में क्यों अटके हुए हैं आप काफी देर से? इसलिए तो यहाँ पे आया निकलने के लिए। आप जो भी करते हैं मजा। बादशाह पाजी जैसे रैप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ना, कि आपने रैप को अलग लेवल पे इंडिया में, स्पेशली इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था, पर जब आपने शुरुआत की थी आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं रैप करूंगा, उनको समझ में आ गया था कि क्या करने वाला? है भी कहानी पर एक्चुअली बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मतलब मैंने उनको बताया कि मैंने रैप करना है तो पहले तो उनको समझ ही नहीं आया कि क्या है। उनको उस टाइम तो थे ही नहीं, मतलब व्हेन वी स्टार्टेड कोई था ही नहीं। तो फिर मैंने, बट मेरे से गलती होगी, मैंने 50 सेंट का वीडियो दिखा दिया कि मैं अब उन्हें दिखा रहा था मैंने करना क्या है। अच्छा। लेकिन वो देख रहे थे। तो क्या क्या दिखा? सारा कुछ दिखा। तो कहते मम्मी का नाम अविनाश है, कहते अविनाश हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। तो मुझे पता चला कि इन्हें समझ नहीं आएगा। तो फिर मैं पढ़ाई भी करता रहा और साथ में म्यूज़िक पे भी काम करता रहा। और फिर मेरी एक लाइन है मैंने लिखी थी कि पापा देखो मैंने करके दिखा दिया, आप रोकते थे मुझे रैप करने से, मैंने पूरी दुनिया को सिखा दिया। वाह। जो
जो लिखता था कभी कॉपी होके पीछे छुप छुप के, वो पूरी दुनिया को पढ़ा दिया, दुनिया देखे जो मैंने करके दिखा दिया, शब्दों को जोड़ा मैंने, पैसा बना दिया। बादशाह पाजी की मुझे एक बार बड़ी अच्छी लगती है, मैंने को कहा मैं बादशाह पाजी साथ में गाना करते हैं, कहते देखो इन्होंने ये नहीं बोला मेरे को कि कौन सा गाना करना है कैसा करना है, कहते सबसे पहले तो एक बात बताओ गाना क्यों करना है। मैंने कहा पाजी देखो ये बात ना आप किसी से बाहर करना ना मैं करूंगा, बात बहुत खत्म कर दे। फिर मैंने पकड़ा गुरु रंधावे को, मैंने कहा देख पहले तो वादा कर मेरे से कुछ पूछेगा नहीं। कहता नहीं पूछा, मैं कहा अपने को गाना करना है, फिर मैंने कर ही लिया। लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जो आप रिपीट करना चाहेंगे दोबारा, और कोई ऐसा मोमेंट भी जिसको आप कभी रिपीट नहीं करना चाहेंगे? दो। अब गली को हाईवे पे लेके आना है, वापस से गली में नहीं जाना है, ये करना है बस। वर्ड अच्छा, फैंस तो प्यार करते हैं आपको, वो कहीं कहीं पे मिल जाए तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं। कभी कोई अजीब सी जगह पे किसी ने फरमाइश की फोटो की? बहुत बार हुआ है मेरे साथ, आपके साथ भी होगा, ऐसे होगा कि पाजी मेरी गर्लफ्रेंड है, आई लव यू बोल दो। ये क्या हो गया? मैं भाई लव यू जी और क्या करूं भाई, अब तो बहुत लाइक करती है भाई, लव यू बोलो। मैं ठीक है भाई। कहते कि आप सभी के गानों में जो खूबसूरत मॉडल्स होती हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप डांस वांस करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, रियल लाइफ में आप बात कर लेते हैं उनसे कि वैसे शाही हैं आप? नहीं होती भाई। मैं तो उसी दिन पे तो मिलते हैं हम उनको। नहीं बाहर मतलब और वगैरह कहीं किसी सोशली ओकेजन ऐसे? आप करना क्या जाते हो भाई? आप पूछना क्या जाते हो? ये पूछ रहा है कि आप लड़कियों से फ्लर्ट करते हो कि नहीं, जैसे ये करता है? मैं तो नहीं करता भाई, इनसे पूछ लो। मैं कहां, मैं तो ना ना कैमरा पे क्या होता है वो तो आपको अगर मान लो भारत सरकार कहे कि बेटे आपको हम रोज 1 करोड़ रुपया देंगे, आपको कुछ नहीं करना, एक दिन की कोई रूटीन बताओ। मैं पाजी उठूंगा, चाय पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा। आप बचपन में कभी ऐसे खेलते थे? जैसे मैं मेरे दोस्त दिनेश को पता है, हम लोग खेलते थे कि यार मान ले यहाँ से दिल्ली जाना हो पैदल, कितने पैसे लेगा? ना मेरे पास ना उसके पास, ऐसे खेलते थे। वो बोलता था अच्छा इतनी दूर पैदल, तो उस समय इतना सोचते भी नहीं था, तो 2 लाख पता, लेकिन चप्पल नहीं होनी चाहिए पैर में। तो फिर ये 1-1.5 लाख बढ़ा देता, 3 लाख। अच्छा जाना नंगे हो गए। ऐसी गेम खेली वैसे आपने कभी बचपन में? नहीं, चुट से बादशाह वाले शॉप थे आपने? बादशाह पाजी, करण पाजी, डिवाइड, आप सब ने ना म्यूजिक में तो आपने पूरा नेक्स्ट लेवल ले ही गए हो, लेकिन ये जो स्टाइलिंग है ना कपड़े वपड़े पाजी, क्या आप देखो आप ये बड़े साइज के कपड़े पहन के निकलते भी है ना, लोग मान भी जाते हैं कि इनके हैं। है ना, मेरे जैसा ऐसे खुले कपड़े पहन के लोग डैडी के पहने हैं लोग, है ना, बोल देते हैं लोग। ये दिनेश अपना पाजी अपना पुराना दोस्त है, ऐसे सवाल बड़े पूछता है। हाँ जी। तो मेरे को बोल रहा था कि पाजी से पूछना सिर्फ कपड़े ही बड़े होते हैं कि जैसे अंडर गारमेंट वगैरह भी कच्चे बनाए। इसकी क्यूरियोसिटी हर गलत जगह पे होती है। बड़ा तो काफी, मतलब दिल भी बहुत बड़ा है पाजी वैसे तो। ये तो इसने तो अंडरवेयर भी तब से पहनना शुरू किया जब से नेटफ्लिक्स पे आए हैं। इसके पहले तो लाल रंग का। बट लॉजिक क्या है कि नेटफ्लिक्स पे आके अंडरवेयर क्यों पहना? बजट। जबरदस्त होती है इनकी बातें, और खासतौर पे डिवाइन करण, बादशाह करण, सारे इकट्ठे करण औजला के सॉन्ग से लगते हैं ऐसे बहुत एटीट्यूड हो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में उनको देखो जैसे उनकी बात उनका के
आपके मतलब कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद कहते हैं जब लोग आ जाते हैं कहते भाई जी मेरी गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोल रहे हैं और स्ट्रगल भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया वाकई. उन्होंने कहा नहीं है कि वो अपने गाने लिखते थे तो कोई मतलब मेरा नाम नहीं था बीच में एंड करता तो मैंने कहा कि ये शब्दों को छोड़ के मैंने पैसा बना लिया या वो बादशाह ने मतलब कहा. जबरदस्त था गाइस. आपको कैसी लगी वीडियो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना. वीडियो को लाइक भी करना शेयर भी करना. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में.